ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार के हेलीकॉप्टर की वजह से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर राजनीति सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, उसके बाद किस तरह से सच्चाई सामने आएगी, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता हेमंत शेरगिल ने यह आरोप लगाया था कि आखिरकार क्यों बीजेपी जांच नहीं करवा रही है और क्यों कड़े कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़े हुए हैं। हरीश जी, यहां पर ब्रेक से पहले हेमंत शेरगिल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आरोप लगाया था कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी भी आरोप लगा चुके हैं ट्विटर के जरिए, बात कह चुके हैं कि बीजेपी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। जवाब दीजिए। दो बातें करूंगा अभी मैं, पहले सबसे पहले सुनील जी ने जो बोला उसकी बात का रिएक्शन देना चाहूंगा। शायद मुझे लगता है सुनील जी को पूरी बात नॉलेज में नहीं है या पूरा वो स्टडी करके नहीं आए हैं। ये कोई हरीश खुराना आरोप नहीं लगा रहा है, ये सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया और इटालियन गवर्नमेंट की जो मिलान हाई कोर्ट ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, मिलान जो हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसमें ये बोला गया। दो बातें और मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से, जब ओरिजिनली जनवरी 2006 के अंदर बजट रखा गया 793 करोड़ रुपए का, तो आप मुझे बताइए ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए सितंबर 2008 के अंदर आप उन्हीं हेलीकॉप्टर की डील को 4,877 करोड़ में फाइनल करते हैं? ऐसा क्या हो गया? पहला, ओरिजिनल था 8 हेलीकॉप्टर्स का, ऐसी क्या जरूरत आज पड़ी कि आपको 12 हेलीकॉप्टर खरीदने पड़े? ये दूसरा सवाल। अब मैं जवाब दूंगा शेरगिल साहब की जवाब बात का। अब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है आम आदमी पार्टी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आप सरकार में आते हैं एक बात समझ लीजिए, भूल गए हैं वो लोग, शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था 370 पेज का FIR लॉन्च करेंगे। क्या हुआ उसका आज तक? कुछ हुआ? नहीं हुआ। कपिल मिश्रा इन्हीं के मंत्री ने कहा कि मुझे हटा दिया जाएगा टैंकर घोटाले का, अगर मैंने खबर वो किया तो, चिट्ठी मेरे पास पड़ी, अगर चाहो तो अभी दिखा सकता हूं। क्या हुआ उसका टैंकर घोटाले का? कुछ नहीं हुआ। तो ये आरोप लगाना बहुत आसान है और आम आदमी पार्टी तो कम से कम हमें ये ना समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया देख चुकी है, दिल्ली के अंदर, पंजाब में भी जब देख लेगी। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सवाल इस चीज का है, AK एंटनी जो इनके खुद के मंत्री हैं, उन्होंने खुद माना कि कुछ ना कुछ वहां घालमेल हुआ और ब्राइब दी गई। तो मुझे बताइए, एक अकेला एयरफोर्स का आदमी SP त्यागी के ऊपर सब लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या एक अकेला 4,000 करोड़ की रिश्वत खा जाएगा? इस बात का जवाब दे दीजिए। ये सब एक नेक्सस के तहत, उसमें ब्यूरोक्रेट भी है, उसमें पॉलिटिशियन भी है और उसमें एयरफोर्स के लोग जो SP त्यागी सामने आ रहा है वो भी हैं। तो उन 10 सालों में राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसका जवाब बिल्कुल अत्री साहब के पास जाएंगे, अत्री साहब से हम इसका जवाब भी मांगेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हेमंत शेरगिल साहब के पास। हेमंत जी, यहां पर साफ साफ बीजेपी के नेता हरीश खुराना साहब ने आरोप लगा दिया और कह दिया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है उस पर वो खुद देखे उसने क्या काम किया, दिल्ली की एग्जांपल यहां पर दे दी और शीला दीक्षित जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बात कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए जी, उसमें भी आप देखिए कि जो पुलिस है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। ACB एंटी करप्शन ब्रांच विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उसको भी इन्होंने एक साजिश करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि इनको पता था कि एंटी करप्शन ब्रांच जो है अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहती तो शीला दीक्षित के ऊपर कार्रवाई होती, इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं करप्शन में जो लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती। तो बात यह है कि इन्होंने पहली बार, आप देखिए यह हुआ कि एक षड्यंत्र के तहत कैसे एंटी करप्शन ब्रांच को इन्होंने आम आदमी पार्टी से उसको छीन लिया जी। और मैं आपको बता रहा हूं, हां मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस इज अंडर देयर कंट्रोल, यही सारा का सारा पॉइंट है और ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। आपने कार्रवाई क्या की वो पूछ रहे हैं, कंट्रोल या बेकंट्रोल की बात नहीं हो रही? उपयोग किया, बिल्कुल उसका हमने कार्रवाई करनी थी, हमने कार्रवाई करनी थी। आप कार्रवाई क्या की आपने? अरे क्या कार्रवाई की बताएं तो सही। एंटी करप्शन ब्रांच को छीन लिया तेरे की, आप कार्रवाई क्या की वो बताइए ना। वो छीन लिया, वो ले लिया, आपने षड्यंत्र किया। कांग्रेस को रोते रहोगे, उधर जो कार्रवाई होती है वो पुलिस फोर्स करती है,
वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है ना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो फोर्स थी, जो एंटी करप्शन ब्रांच कोई कार्यक्रम नहीं है, उसको षड्यंत्र पंजाब मिशन यूपी में लगे हुए हैं, छीन लिया। एक बार हरीश जी जवाब ये मिल रहा है पंजाब में, जिस दिन हिम्मत सिंह सेजल साहब ये जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि पुलिस उनके अंडर में नहीं, ट्रंप लोगों के खिलाफ हम कहने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, बताइए जवाब दीजिए खुराना साहब। दो बातें करूंगा शेरगिल साहब की, क्या जब वो उन्होंने प्रॉमिस किया था हिंदुस्तान की जनता के साथ और लोगों के सामने एफआईआर रखी थी 370 पेज की, क्या उनको नहीं मालूम था दिल्ली पुलिस उनके पास है या नहीं है? और इतने अगर सच्चे हैं तो हिंदुस्तान की कोर्ट अभी भी है और सबकी मान्यता उनके लिए है, कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? ये एफआईआर की कॉपी जो 370 पेज की लहरा रहा कि हिंदुस्तान की जनता को दिखाई थी, अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं जमा कराई? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कपिल मिश्रा इन्हीं के मंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी सार्वजनिक में, लिखा था कि टैंकर घोटाले के मामले में शायद मुझे हटा दिया जाएगा और हटा दिया गया 48 घंटे के अंदर। तो ऐसी कौन सी ताकतें थी जिनके साथ आम आदमी पार्टी मिली हुई थी और जिसकी आशंका इन्हीं के अपने मंत्री ने बोला कि मुझे उस पद से हटा दिया जाएगा और हटा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इनके जो झूठ है वो लोगों के सामने आ चुका है, इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है दिल्ली की जनता देख चुकी है। 27 एमएलए के खिलाफ केस चल रहे हैं अभी तक, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी आज आप बहस अगस्ता वेस्टलैंड पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हिम्मत शेरगिल जी आईने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो एक उंगली हमारी तरफ दिखा रहे हैं तो चार उंगली उनकी तरफ भी आती है। उंगलियां दिखाने की बात, आरोप प्रत्यारोप की बात तो लगातार होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आखिरकार देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है और सच्चाई सामने कैसे आएगी? अत्रि साहब, ये पूरी कहानी आपने सुन ली, बार बार चाहे दिल्ली सरकार बात करे, यहाँ पर शीला दीक्षित जी की बात करें या फिर बात हो सोनिया गांधी जी की, बार बार आपकी पार्टी पर उंगली उठ रही है। बात जो है, जो आदमी काम करेगा तो उसमें कुछ गलती भी हो सकती है और काम भी होंगे, जो काम नहीं करेगा ना तो उसमें कोई कमी निकलेगी ना कुछ आप कर सकोगे। चलिए मानते हैं कि आप गलती हुई है। मैं बता रहा हूं, अब इसमें जब ये काम हुआ है तो उसमें कोई गलती हो सकती है, बहुत बड़ी मशीनरी है और इसीलिए जो है हमारे जो उस टाइम रक्षा मंत्री थे उन्होंने जो इस पर सीबीआई के आदेश दे दिए थे जांच के, तो उन्हें शक हुआ था, उन्होंने जांच के आदेश दिए और वेस्टलैंड कंपनी को हमने जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया था और हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक आदमी, मेरी बात सुनिए हरीश जी, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मैं बोलने दीजिए, मैं बीच में बात नहीं करूंगा। हमारी पार्टी का अगर एक भी आदमी इसमें शामिल है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके माननीय परिकर साहब स्वतंत्र हैं, सीबीआई इनके हाथ में, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कांग्रेस पार्टी भी आपका साथ देगी इसमें, इसमें ढोल ना पीटिए, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ बातों की बातें हैं, उसको घुमा के पूछ दीजिए, इधर से पूछ लीजिए, फिगर इधर से उठा लीजिए, उधर से उठा लीजिए, एक हेलीकॉप्टर 10 हेलीकॉप्टर 8 के 12 क्यों लिए? अरे 12 के डिमांड होगी तो 24 भी लिए जाएंगे।